वेलकम बैक गाइस टू द वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आने वाला जो एप्पल का अपकमिंग डिवाइसेज है ना, लाइक आईपैड मिनी 6, वो क्या 3 साल पुराना आईपैड प्रो 11 को, लाइक 2018 में जो आईपैड प्रो लॉन्च हुआ था, क्या उसको बीट कर सकता है? लाइक 3 साल होने के बाद तो बहुत पुराना हो गया ना, या फिर ये 3 साल पुराना आईपैड प्रो 11 जो नया नया डिवाइसेज लाइक आईपैड मिनी 6 उसको हरा देगा? लेकिन इसके बारे में गेम में तो आगे बात करेंगे, लेकिन अभी अगर गेम का बात करें ना, तो फिलहाल मैं उधर हूँ मिलिट्री बेस, और मिलिट्री बेस में भाई मेरे साथ ना 2 स्क्वाड उतरता है, ठीक है, 2 से 3 पता नहीं कितना स्क्वाड होगा, लेकिन जैसे ही मैं उतरता हूँ ना मेरे को शॉटगन मिल जाता है, और शॉटगन मिलते मैं बाहर निकल के वो जो बंदा होता है ना उसको तुरंत नॉक करता हूँ, फिर ये वाला कंपाउंड पे आ जाता हूँ कुछ गन वन लेने, लाइक ऑटो गन वगैरह लेने, क्योंकि उसका बंदा ना मेरे को फुटस्टेप आ रहा होता है, वो लोग पुश कर रहा है मेरे ऊपर, तो देखो मैं वो लोग से कैसे डील करता हूँ। तो गैस ये वाला क्लच के लिए तो एक लाइक तो पक्का बनता है यार। अगर पसंद आए तो गैस लाइक कर देना इस वीडियो को, ठीक है। तो गैस देखो अभी अगर हम लोग उस टॉपिक के बारे में बात करें ना, तो गैस देखो iPad Pro 11 जो है ना उससे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है हम लोगों को iPad Mini 6। अगर पहले बात करें ना हम लोग डिज़ाइन का, तो डिज़ाइन में हम लोगों को iPad Pro 11 जैसा ही डिज़ाइन हम लोग को iPad Air 4 जैसा ही देखने को मिला था, और हम लोग को पता ही है आने वाला जो iPad Mini 6 होगा वो डिज़ाइन में iPad Air 4 जैसा ही होगा। तो डिज़ाइन में तो कुछ भी ज़्यादा चेंजेस हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन iPad Pro 11 11 इंच का था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, और iPad Mini 6 हम लोग को शायद 8.3, 8.5 या फिर 8.7 इंच, इन तीनों में से हम लोग को कोई सा भी एक मतलब डिस्प्ले रेंज में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें ना इसका टच आईडी का, iPad Pro 11 में जो लॉक बटन था ना, जो पावर बटन था, उसमें हम लोग को टच आईडी देखने को नहीं मिला था, लेकिन iPad Air 4 में भी देखने को मिलता टच आईडी पावर बटन पे, और शायद हम लोगों को iPad Mini 6 में भी टच आईडी देखने को मिलेगा। और एक चीज़ का अगर बात करूँ ना, वो है कि प्रमोशन डिस्प्ले। अभी तक Apple वाले ना जो iPad Pro है उसमें 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश को मेंटेन किया है, जो लेगेसी है ना उसको अभी तक मेंटेन रखा है। तो आप लोग सोच सकते हो 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश और कोई सा भी iPad में हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन iPad Pro जो 11 था उसमें हम लोग को प्रमोशन डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिला था। इसीलिए iPad Pro बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है कोई से भी एक नॉर्मल Apple डिवाइसेस के हिसाब से। और अगर बात करें iPad Mini 6 में 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट या फिर 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट, ये तो आने वाले डेज में हम लोग को पता चल जाएगा कि iPad Mini 6 में कितना हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मली परफॉर्मेंस या फिर चिपसेट का बात करें ना, तो iPad Pro 11 में हम लोग को यूज़ किया गया था A12X Bionic चिपसेट, जो अभी के टाइम में भी जितना भी सारा चिपसेट है ना, लाइक A14 या फिर A15, उसको ईजिली बीट कर देगा। क्योंकि अगर आप लोग नॉर्मली गूगल में जाकर सर्च करोगे ना iPad Pro 11 का जो बेंचमार्क है वो, और iPad Air 4 का जो बेंचमार्क है वो, तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस में शायद हम लोग को iPad Air 4 ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर मल्टी कोर का परफॉर्मेंस का बात करें ना, तो उस जगह पे iPad Pro 11 इजीली बीट कर देता है iPad Air 4 को। तो आप लोग सोच सकते हो A14 Bionic चिपसेट जो 2 साल पुराना था उसको इतना ईजिली बीट कर दिया। और गाइस आप लोगों को तो पता है ना कि iPad का जो प्रोफेशनल वाला वर्जन होता है या फिर iPhone का जो प्रोफेशनल वाला वर्जन होता है ना, उसको Apple वाले बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज या फिर कस्टमाइज करते हैं, ताकि आने वाला डेज में भी, लाइक 2-3 साल बाद में भी ऐसा परफॉर्मेंस हम लोगों को मिले। और अगर कोई से भी नॉर्मल एक आईपैड या फिर आईफोन पकड़ लो ना, वो 2-3 साल के बाद ना लैग या फिर बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस में इशू हम लोगों को आने लगता है, लेकिन आईपैड प्रो में या फिर आईफोन प्रो या फिर प्रो मैक्स में हम लोगों को ये सब चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। वो पहले के मुकाबले जितना था ना, शायद अभी उतना परफॉर्मेंस नहीं देगा, बट नॉर्मल कोई सा भी आईपैड में जो परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है उतना हम लोगों को परफॉर्मेंस ड्रॉप बाकी ये सब आईपैड प्रो में देखने को नहीं मिलता है। तो इस जगह पर आईपैड प्रो बहुत ही ईजी तरीके से बीट कर देता है कोई से भी अपकमिंग डिवाइसेस को। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आईपैड मिनी 6 खराब है, आईपैड मिनी 6 भी उसके जगह पर अच्छा, क्योंकि उसमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा चिपसेट यूज़ किया गया है।
ये बंदा M249 लेके मेरे पे पुश किया था भाई, मेरे पे स्कारेल था, बट कोई ना, मैं उसको मार देता हूँ। लेकिन मैं जैसे ही मारता हूँ ना, मेरे को लेफ्ट साइड से ना और भी बंदों का फुटस्टेप आता है। और ये वाला जो गेम है ना, ये मैं कल शाम को जो गेम प्ले अपलोड किया था ना, उसका स्टार्टिंग का जो 20 सेकेंड का क्लिप था ना, वो शायद इसी गेम का है। और ये वाला गेम में जो क्लच करने में जो मज़ा है ना, क्योंकि मैं अकेला मिलिट्री बेस को पूरा क्लियर करता हूँ, और अकेला जब अपना ड्रॉप लोकेशन पर आप सोलो भी स्क्वाड में क्लियर करते हो ना, तो उसका जो मज़ा है ना, वो एक अलग ही फीलिंग है, लिटरली बोल रहा हूँ। और गाइस वीडियो को अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो ना, तो राइट साइड वाला वीडियो को क्लिक करके आप लोग देख सकते हो iPad mini 6 और iPad Air 4, ये दो डिवाइस में से कौन सा डिवाइस आप लोगों को परचेस करना चाहिए। और लेफ्ट साइड वाला वीडियो को क्लिक करके आप लोग देख सकते हो iPad का जो बेसिक वाला वेरिएंट होता है ना, लाइक iPad mini 6 का 64 GB और iPad 9 जेन का जो 32 GB होने वाला है, वो क्या डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए सफिशियंट होगा। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मिलता है शाम वाला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।